दोस्तों, स्टार्टअप बिहार योजना में लोन अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्या क्या पेपर देना होगा वो जानकारी हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे आकर के, तो यहाँ पे जो कि जिसमें हम बताए थे फाइनल सबमिट तक आपको कैसे करना है। बट बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको समझ में नहीं आया कि हम जो है इनमें की पेपर क्या क्या हमें लगने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे ये वीडियो हम बनाए थे, ठीक है, आकर के देख लीजिएगा आप लोग। और इनमें जो है एक आपको प्रॉब्लम होगा जाति प्रमाण पत्र का, तो फिलहाल अभी आप लोग जो है जाति प्रमाण पत्र कैसे आप लोग बनाना है अभी हमने 1 घंटा पहले ही वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है, इनको आकर के आप लोग देख लीजिएगा कि अभी जो है जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पब्लिश कर दिया है इस वीडियो को, आकर के आपको फाइनली देख लेना है तभी आप लोग अप्लाई कीजिएगा, नथा अप्लाई कीजिएगा तो आपका जाति प्रमाण पत्र रद्द हो जाएगा। जनरल कैटेगरी का जाति यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं किया गया। तो दोस्तों, आते हैं इन वेबसाइट पर और आपको डॉक्यूमेंट का बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को देना है। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग कॉपी या फिर कलम निकाल लीजिएगा लिखने के लिए, ठीक है। दोस्तों, जैसे हम बताएंगे आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर उसको मतलब आपको नोट करके रख लेना है कि क्या क्या पेपर आपको रिक्वायरमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे रजिस्टर पे, तो डॉक्यूमेंट का जो है दोस्तों यहाँ पे कुछ दिया गया है। हालांकि जो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट जो है इनमें जो बताया गया है, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट जो है इनमें से आपको लगने वाला है अपलोड करते वक्त, बाद में आपका जो है आपसे लिया जाए वो अलग की बात है, लेकिन अप्लाई करने में जो जो सब डॉक्यूमेंट लगेगा हम वो डॉक्यूमेंट के बारे में केवल बताने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे जो कि आपको ईमेल आईडी तो हो ही जाता है, आधार कार्ड ये सब को हम छोड़ देते हैं, डायरेक्ट आपको अप्लाई करने में क्या क्या लगता है वो सब चीज़ आपको हम चलिए बताते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं डायरेक्ट दोस्तों, ठीक है। लॉगिन करके उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। जैसे दोस्तों लॉगिन कर लीजिएगा तो आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भी डिटेल्स अपना फिल किए थे, जैसे नाम, शॉप का नेम या फिर संस्था का नाम, और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, जो सब चीज़ आप फिल किए थे वो सब चीज़ आपको दिखा देगा, ठीक है। अपलोड करने के लिए क्या क्या आपको यहाँ पे कहा जा रहा है उनको थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे अपलोड जो करने के लिए कहा जा रहा है वो आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट कहा जा रहा है अपलोड करने के लिए, एक एजुकेशन सर्टिफिकेट। आप जो है आप लोगों को एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या अपलोड करना है वो थोड़ा समझ लीजिएगा। एजुकेशन जो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा, 10th, 12th, BC, BTEC वगैरह वगैरह, जो यहाँ पे ग्रेजुएट है जो सब यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे 10th सेलेक्ट किए हैं तो हमको यहाँ पे 10th का जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, और यहाँ पे जो है और उनके साथ में जो आपको वर्क एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करना है, ठीक है। दोनों चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है, यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है इसीलिए दोनों चीज़ मैंडेटरी किया है। अब देखिए वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या होगा, जो काम आप करना चाहते हैं उनका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस मुँह से कह देने से नहीं होगा, उनका सबूत देना होगा, यानी उनका सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। ये समझ गए आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना होगा। अब देखिए नोट रिक्वायरमेंट किसको किया जा रहा है, जनरल कैटेगरी वाले को। जनरल कैटेगरी वाले जो है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करेंगे, उनको जो यहाँ पे अपलोड नहीं कहने को कहा जा रहा है, ठीक है। हालांकि ये यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, आप इसे अपलोड कर सकते हैं अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टार मार्क कहीं पर नहीं लगा हुआ है तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसको हम डाल भी सकते हैं इसमें, नहीं भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे फोटो अपलोड करना मैंडेटरी है तो आपको यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना है। अब चलिए दूसरा जो है आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वेंडर डिटेल्स में यहाँ पे जो है आपको इस वाले कॉलम में जैसे आप आ जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ठीक है। ये देखिए क्या है, DPIIT सर्टिफिकेट, ये एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, और इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो भी आपको हम बता देंगे, इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है वो बना देंगे। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, आप डाल भी सकते हैं इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया, आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिर से आपको फाउंडेशन डिटेल्स में आने के बाद जो है यहाँ पे आपसे देखिए क्या क्या मांगा जा रहा है, यहाँ पे एड फाउंडेशन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए एक आधार कार्ड कहा जा रहा है, एक पैन कार्ड कहा जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे यहाँ पे 10th 12th जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा उनका जो है एजुकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे चूज फाइल करके आपको अपलोड करना होगा। तो फिलहाल इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब जो है नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं कि नेक्स्ट में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। अब यहाँ पे जो है क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो ये कुछ बिजनेस का जो है कंसेप्ट है, जैसे कि आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका बिजनेस कंसेप्ट जो है उस आपको यहाँ पे फिल करना होता है, और यहाँ पे जो है आपको वीडियो अपलोड करना होता है। केवल हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे ऑनलाइन करते वक्त लगेगा, क्या क्या चीज़ आपको अपलोड करना है वो चीज़ केवल हम बता रहे हैं।
तो जो डॉक्यूमेंट बतलाए हैं वो डॉक्यूमेंट हो गया, और यहाँ पे 2 मिनट का वीडियो केवल आपको अपलोड करना है। दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट आपको हम बताए हैं, आपको अगर याद में नहीं रहा होगा, ध्यान में नहीं है, तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट लिख करके नीचा में जो है सब कुछ डाल देंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन खोल के वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे केवल आपको वीडियो अपलोड कर देना है, और उसके बाद जो है आपका जो पेज है उसका जो है प्रीव्यू दिखा देगा, क्या क्या चीज़ आप फिल किए हो। उसके बाद जो आपको डिक्लेरेशन देना है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। हालांकि दोस्तों इस पे हम जो वीडियो को बना चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को, तो इसमें पता चल जाएगा आपको कैसे कैसे इसमें आवेदन किया। कोई दिक्कत होगा दोस्तों तो कॉमेंट कीजिएगा, हम आपका पूरा मदद करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो दोस्तों कुछ कहना नहीं चाहेंगे आप लोगों से, बस आप लोगों का जो है साथ रहना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं, पूरा वीडियो देखने का आपका तहे दिल से धन्यवाद।